हेलो, तुम खफा तो नहीं हो ना कल के बारे में? तुम्हें इतनी देर खड़ा रखा और तुम्हारी इतनी सारी पिक्चर्स ली, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? मुझे क्यों बुरा लगेगा सर, मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। शायद ऐसी स्माइल चाहते थे वो। कुछ कहा तुम? नहीं सर, नहीं तो। बच्चे ने वोट प्रिया, मैंने तुम्हारे चेहरे की बहुत सारी तस्वीरें ली, डिफरेंट एक्सप्रेशंस, डिफरेंट एंगल्स, ये सोचकर कि तुम पास नहीं होगी तो फिर इन तस्वीरों से ही दिल बहला लूंगा। आई रियली मिस यू और आई वांट टू सी यू। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। लेकिन सर पापा। प्रिया प्लीज, पापा की टेंशन मत लो, पापा को वैसे भी ऑफिस में बहुत सारा काम है। यू टेल मी व्हाट अबाउट लंच? ठीक है सर। एक्सलेंट देन, आई विल सी यू। वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं, मैं फिर कभी बोलूंगी। बिल्कुल नहीं विराज डोबरिया, फिर कभी मैं नहीं, अभी मैं विश्वास करता हूँ। सो कम ऑन, टेल मी क्या कहना है। नहीं नहीं सर, कोई उतनी खास बात नहीं है। हम लंच पे मिल रहे हैं ना? हाँ हाँ, बताना तो तुम्हें अभी पड़ेगा, राइट नाउ। वो सर वो सर मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। And you know what? मुझे भी तुम अच्छी लगती हो। सर। एक सेकंड, एक सेकंड। मेरा स्टाफ मुझे सर पुकारे। I like that. In fact, I want that. लेकिन मेरे अपने कोई मुझे सर पुकारे, आई डोंट लाइक दैट। इन फैक्ट आई डोंट वांट दैट। पर मैं आपको आपके नाम से कैसे बुला सकती हूँ? वो मैं नहीं जानता कि तुम मुझे क्या पुकारो या किस नाम से बुलाओ, बस लंच तक डिसाइड कर लेना। ऑलराइट, I'll see you at lunch. Bye. Bye. Janvi, I have a new John. कौन कमबख्त कहता है कि चांद आसमान में निकलता है, हमने तो चांद अपने दरवाजे पर देखा है। वेलकम, वेलकम टू माय डैड। का घर तो बहुत सुंदर है। थैंक यू। तुम बैठो, मैं किचन से होके आता हूँ। ओके, आप कुछ बना रहे हैं? हाँ, तुम पहली बार आ रही हो तो मैं सोचा कुछ खास बनाया जाए। मैं आपकी हेल्प करूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं,
तुम यहाँ पे मेहमान हो और हमारे यहाँ मेहमानों से काम नहीं करवाया जाता। So you just sit and make yourself comfortable, okay? I'll be back. आप इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं? अब तो आदत सी पड़ चुकी है। वाइफ के बारे में पापा ने बताया था, बहुत बुरा लगा सुनकर। क्या आज भी उन्हें बहुत मिस करते हैं? मेरा मतलब